दिल्ली T20 में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने पावर प्ले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को झकझोर कर रख दिया था। पहले 6 ओवर में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया बहुत पीछे छूट चुकी है, क्योंकि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे तूफानी बल्लेबाज आउट हो चुके थे। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश ने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ क्या होगा। उनको इस बारे में जरा खबर नहीं थी कि उनके ऊपर इन 3 विकेटों के बाद भी एक बेहतरीन अटैक होने जा रहा है। बांग्लादेश पर यह अटैक किया नीतीश कुमार रेड्डी ने, जिन्होंने महज 34 गेंदों पर 74 रन कूट डाले। नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में 7 ताबड़तोड़ छक्के लगाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने करियर का पहला अर्धशतक बड़े ही दिलचस्प अंदाज में लगाया। रेड्डी जब क्रीज पर आए तो टीम इंडिया मुसीबत में थी, और इसलिए इस खिलाड़ी ने सेट होने के लिए अपना समय लिया। नीतीश ने पहली 12 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद अगली 15 गेंदों पर उन्होंने 37 रन कूट दिए। नीतीश रेड्डी अर्धशतक लगाने के बाद और खुलकर खेलने लगे, और उन्होंने इसके बाद 3 छक्के और 1 चौका लगाया। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी पारी में 7 छक्के लगाए। उन्होंने पहला छक्का 9वें ओवर में महमदुल्ला के ओवर में लगाया था। इसके बाद अगले ओवर में उन्होंने लेग स्पिनर रिशाद हुसैन को आड़े हाथों लिया। नीतीश ने हुसैन की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े। इसके बाद 11वें ओवर में नीतीश ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर भी एक छक्का लगाया। इसके बाद इस बल्लेबाज ने मेहदी हसन के ओवर में 2 छक्के मारे। नीतीश ने अपने 7 में से 6 छक्के स्पिनर्स के खिलाफ मारे। साफ है ये खिलाड़ी स्पिनर्स के खिलाफ बेहद मजबूत है, यही वजह है कि नीतीश ने स्पिनर्स के ओवर्स को भुना भी लिया। दिल्ली T20 में भी नीतीश की बल्लेबाजी देखकर साफ तौर पर लगाई था कि ये खिलाड़ी सिर्फ T20 फॉर्मेट में खेलने के लिए नहीं बना है। नीतीश की तकनीक बेहद सॉलिड है, सीधे बल्ले से वो खेलते हैं। उन्हें टीम इंडिया 3 फॉर्मेट में भी आने वाले समय में आजमा सकती है। नीतीश के पास अच्छा डिफेंस भी है और उनके पास लंबे सिक्स लगाने की काबिलियत भी है। इसके अलावा इस T20 मैच में उन्होंने 2 विकेट भी हासिल की, तो गेंदबाजी में भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं और पावर प्ले में गेंदबाजी कर भी रहे थे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार हर फॉर्मेट के लिए रेडी हैं और आने वाले समय में उन्हें सिलेक्टर्स किसी भी फॉर्मेट में आजमा सकते हैं, और ये खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की तरह ही टीम इंडिया का अगला सबसे बड़ा ऑलराउंडर बनकर उभर सकता है।